हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज शाम को थोड़ा निकल रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कहाँ पर जाता हूँ और क्या देखने को मिलता है। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो अभी रिक्शा ले लिए, रिक्शा लेके अभी ऑटो स्टैंड जा रहा हूँ। तो आ गए सुबह बाजार लॉन्च घाट और आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है गंगा। तो लॉन्च लेंगे यहाँ से। तो यहाँ जस्ट अभी सनसेट हुआ, तो टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो गया, तो सनसेट भी ठीक से नहीं देखने मिला और अभी लाइटिंग वगैरह भी स्टार्ट नहीं होगा शायद। तो इसलिए आया था कि यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि लाइटिंग जो होता है शाम को गंगा के ऊपर और साइड में जो भी बिल्डिंग वगैरह है वो दिखने में कैसे लगता है। तो देखते हैं, अभी तो लॉन्च आने में लेट है, तो देखेंगे अगर हावड़ा ब्रिज में लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो देखने में भी अच्छा लगेगा। फिलहाल लॉन्च आने में अभी लेट है, तो इसलिए इस जेटी के ऊपर थोड़ा बैठा हुआ और यहाँ पर पानी का जो स्रोत है उसको देख रहा हूँ। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पानी का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हवा भी अच्छे से दे रहे हैं। तो कूल वेदर है, कुछ टाइम के लिए रास्ते में अगर बैठ भी जाते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर जो जगह है तो उस टाइप का ही है, तो अगर आपको जल्दी नहीं है कहीं पर पहुंचने की तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो। तो यहाँ पर लाइट वगैरह अभी जलना स्टार्ट हो गए गंगा के साइड में जो भी बिल्डिंग वगैरह है, तो आप देख सकते हो। तो अभी शाम पूरा नहीं हुआ तो धीरे धीरे लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हावड़ा जाता हूँ और रास्ते में जो भी मिलते हैं दिखाता हूँ आपको, हावड़ा बीच का व्यू। तो अभी तो लाइटिंग स्टार्ट नहीं हुआ, तो सोच रहा था कि लाइट स्टार्ट हो जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी, अगर लाइट वगैरह मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रहेंगे। तो अभी लाइटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गया, तो पीछे एक टेंपल दिख रहा है, तो लाइटिंग के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा जूम करता हूँ। अभी जस्ट लाइटिंग स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा लाइटिंग अभी नहीं है, तो लाइटिंग के साथ देखने में और भी अच्छा लगता है। तो अभी हावड़ा जेटी में आ गया, हावड़ा घाट। तो यहाँ से पीछे देख सकते हो कि हावड़ा का व्यू जो है, तो फिलहाल फ्रंट कैमरे में तो अच्छा नहीं आ रहा है, लाइटिंग वगैरह अभी स्टार्ट हुआ और लाइटिंग के साथ ये देखने में और भी अच्छे लग रहे हैं।
तो बैक कैमरा में दिखाता हूँ। टाइप का व्यू है शाम का व्यू, और अभी धीरे धीरे यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गया जैसे कि बोल रहा था। तो आज का जो ब्लॉग है बेसिकली ये दिखाना चाहता हूँ कि लाइटिंग के साथ गंगा जो है उसका साइड में कितना अच्छा लगता है शाम को और रात को। तो दिखाता हूँ आप लोगों को ये लाइटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और पीछे है मेरा ये हावड़ा स्टेशन, तो इधर से निकल कर हावड़ा स्टेशन जा सकते हैं। घर से निकल कर सामने ही है आपका चाय का दुकान, तो यहाँ से चाय ले लिया। और सामने यहाँ पर पकौड़ा जो है आपका पियाजी और चॉप, तो ये भी थोड़ा ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो पीछे हावड़ा स्टेशन छोड़ के अभी हावड़ा ब्रिज के तरफ जा रहा हूँ, और देखता हूँ कि ब्रिज के ऊपर से वीडियो वगैरह अगर करते तो कैसे लगता है, और ब्रिज का ऊपर से ब्रिज का व्यू कैसे है। तो अभी पैदल चल रहा हूँ, नज़दीकी है सामने पीछे ये आपका हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा जब भी आता है थोड़ा बिजी टाइम रहता है, कभी भी इधर उधर पैदल एक्सप्लोर नहीं किया। तो आज है पहला टाइम जो थोड़ा कहीं पर जाने का क्या बोलते हैं जल्दी नहीं है, तो इस हिसाब से पैदल चल रहा हूँ अभी। तो अभी मैं भी देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि कितना बिजी स्टेशन है। और यहाँ पर आप उसे देख ही सकते हो कि कितना गाड़ी वगैरह भी है, तो हाँ बिजी तो होगा। और फिलहाल सामने जा रहा हूँ अभी, तो पैदल का रूट ले लिया, हावड़ा ब्रिज पीछे ही है, ऑलमोस्ट आ गया अभी। तो ये जो हावड़ा ब्रिज है आपका दूर से ही देखने में अच्छा लगता है। तो फिलहाल इस रास्ते में इतना भीड़ है, तो यहाँ पर सोच रहा था कि रील वगैरह बनाएंगे, तो अभी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बहुत भीड़ है अभी, आप देख ही सकते हो सामने। यहाँ पर इतना हवा चल रही है अभी और लाइटिंग भी इतना अच्छा है जो गंगा का उस पार है, तो देख ही सकते हो थोड़ा सा जो भी दिख रहा है यहाँ पर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। तो अभी हावड़ा ब्रिज तो घूम लिए, तो अब थोड़ा वीडियो वगैरह भी किया, और अभी जाना है गंगा के उस पार जो है आपका बाबूघाट। तो बाबूघाट का लास्ट लॉन्च है शायद 7:30, तो लंच पकड़ना है अभी, और फिर देखते हैं प्लांट के साइड से फिर घर निकल जाएंगे। और रास्ते में जो भी मिलता है आप लोगों को दिखाते हैं। तो हाँ फिर से हावड़ा स्टेशन के सामने ही आ गया हूँ। लगा दिया साइड बाय साइड, तो वो क्रॉस करके पेड़ है बाबूघाट का लॉन्च, तो ये लास्ट लॉन्च है।
तो इसलिए शायद उसको डॉक कर दिया और उसके ऊपर से ही इसमें आ गए। इस लास्ट लॉन्च में तो ज़्यादा फीस वगैरह नहीं है, तो देख ही सकते हो पीछे, तो ज़्यादा वेट नहीं है। आज थोड़ा लाइटिंग मुझे कम भी लग रहा है, लास्ट टाइम जब आए थे तब शायद न्यू ईयर का टाइम था इसलिए लाइटिंग वगैरह ज़्यादा था, तो आज इतना लाइटिंग नहीं है, पर पीछे जो बिल्डिंग वगैरह है तो इस टाइप का लग रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और हावड़ा ब्रिज का लाइटिंग भी मुझे थोड़ा आज कम ही लगा, तो मे बी ओकेशन जब रहता है तब ज़्यादा लाइटिंग वगैरह रहता है। सामने है इंडियन फ्लैग और इधर देख सकते हो लाइटिंग के साथ जो गंगा का पहाड़ है कितना सुंदर लग रहा है। तो हाँ, यही देखने के लिए आज निकले कि लाइटिंग के साथ गंगा में जब शाम को घूमते हैं कितना अच्छा लगता है। ये हावड़ा स्टेशन और इसका जो रिफ्लेक्शन है देखो यहाँ पर कितना सुंदर आ रहा है। और ये सामने है आपका सेकेंड ब्रिज जो बोलता है आपका विद्यासागर सेतु, तो उसमें भी आज लाइटिंग नहीं दिख रहा है मुझे, पूरा अंधेरा है ब्रिज, नहीं तो लाइटिंग के साथ बहुत अच्छा लगता। तो ये देखो सामने का व्यू नज़ारा रिफ्लेक्शन के साथ। तो ये है आपका फ्लोटेल रेस्टोरेंट जो गंगा के ऊपर है, तो यहाँ से तो गंगा का व्यू नज़ारा देखते हुए डिनर वगैरह करने में तो अच्छा ही लगेगा। तो देखो ये क्या लंदन से कम है क्या भाई? हाँ, तो दीदी बोलता था ना कोलकाता का लंदन बना देंगे, तो लंदन का जो थेम्स का ऊपर जो व्यू है नाइट का, तो इस जगह को ऊपर देखेंगे तो वैसे ही आ रहा है मोबाइल पर ये जो फीलिंग्स है। दूर से आपका हावड़ा ब्रिज का व्यू बेसिकली कैप्चर कर रहा हूँ कि लग रहा है कि बहुत सारा सेमी चीज कैप्चर कर रहा हूँ, पर फिर भी अच्छा लग रहा है इसलिए कैप्चर कर ही लेता हूँ। पहुँच गए बाबूघाट, उतरना है अभी। মাছ হয় এখন পাও মাছ গঙ্গায়? আচ্ছা, বাবুঘাট ছোটবার ব্রিজ, তো তোরা যাকে দেখতে যা পর। তো লাইটিং কে সাথ বহুত সোনা লাগ রহা হ্যায় বলা ব্রিজ, ছোটা হ্যায় ফির ভি বেসিক্যালি আপকা জো দিখা হ্যায় কি আচ্ছা ফুট ব্রিজ হ্যায়। तो सोच रहा था कि प्रिंसेप घाट के तरफ जाएंगे, पर अभी 8 बज गए ऑलरेडी, तो प्रिंसेप घाट अभी बंद हो गया तो जाके वेस्ट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सोचा कि स्प्लानेट के तरफ जाता हूँ, तो पैदल ही चल रहा हूँ। चलते चलते यहाँ पर मिल गया आपका नेताजी इंडोर स्टेडियम, तो मेरे पीछे देख सकते हो ये है आपका नेताजी इंडोर स्टेडियम। सामने आपका ग्रेट पैट्रियट खुदीराम का स्टैचू, तो और इसके सामने ही है आपका खुदीराम अनुशीलन केंद्र जो क्रीड़ा दफ्तर है पश्चिमबंग सरकार का। ईडन का गेट नंबर 9-10 पीछे छोड़ के आया, तो आईपीएल तो अभी नहीं हो रहा है कोलकाता में, अगर आईपीएल होता तो मैच वगैरह देखने तो जरूर आते। तो इस साइड है आपका बेसिकली गेट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 9, 8, 7, 6, 5 तक है शायद, फिर आपका आ जाएगा आकाशवाणी कोलकाता का भवन, और उसके बाद जो सामने का गेट है बेसिकली उस साइड पर मिल जाएगा।
बचपन में जब भी रेडियो वगैरह चलता था तो एक तो था कि अच्छा आकाशवाणी कोलकाता, तो वहाँ से संप्रसारण हो रहा है, तो पीछे देख सकते हो मैं दिखा था वो फोन कैमरे में भी। तो ये आपका वो आकाशवाणी का भवन। तो इतने साल से कोलकाता में रहता हूँ बट कभी भी इतना घूमा नहीं। तो जब से ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया हूँ तो अभी थोड़ा घूमना जो है बेसिकली वो थोड़ा ज़्यादा है, तो कोशिश करता हूँ कि जब भी थोड़ा टाइम मिलता है ऑफिस के बीच में थोड़ा निकल जाने का। तो उसी हिसाब से आज भी निकल पड़े थे ये दिखाने के लिए कि अच्छा गंगा का जो नाइट भी होता है और लाइटिंग वगैरह होता है वो कैसे होता है। तो वहाँ से चला है तो अभी चलते चलते इडेन के सामने आ रहे हैं। तो पीछे है आपका एंट्रेंस जो फ्रंट एंट्रेंस है, तो ये वाला है वो ए है आपका ईडन गार्डन। तो सामने देख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर, मिस धोनी, दादा, बीबीएस लक्ष्मण, कपिल देव, हर किसी का तस्वीर दिया हुआ है यहाँ पर। द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, बीबीएस लक्ष्मण, हाईएस्ट इंडियन इंडिविजुअल स्कोर बाय एनी इंडियन इन क्रिकेट, कपिल देव, सौरभ गांगुली, सचिन, दादा का पिक्चर का है भाई वो, वहाँ पर दादा भी है। तो ये है दादा। यहाँ से अभी निकल रहे हैं तो अंदर तो नहीं जा पाएंगे, तो फिलहाल बाहर से ही थोड़ा वीडियो वगैरह कर लिए। तो अभी मेट्रो लेंगे तो उस प्लेनेट जा रहा हूँ, तो उस प्लेनेट से मेट्रो लेंगे और फिर तो ये हो गया आपका ओबेरॉय, पीछे ही है मेरा उस प्लेनेट के अंदर ही, तो आगे जा रहा हूँ अभी। और एक दो अगर टी शर्ट अच्छा पसंद आता है तो लेके देखता हूँ। तो पहले मैं सोचता था कि मार्केट जल्दी क्लोज हो जाता है, तो अभी तो 9 बज गए, 9:30 फिर भी ओपन है। प्लेनेट से 2 टी शर्ट लिए पसंद आया जो, तो वीडियो नहीं कट पाए तो बाद में पहन के दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी फिलहाल मेट्रो लेने वाला हूँ, वो मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। तो फाइनली मेट्रो मिल गया अभी, तो अभी घर की तरफ भी जा रहा हूँ। तो ये मेट्रो का अंदर का लोग, तो अभी के लिए ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। सो आप लोगों को अगर ये जो आज घूमा बेसिकली गंगा के ऊपर जो नाइट व्यू था तो वो दिखाने का कोशिश किया, तो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखते हैं बाद में।